डॉक्टर ईश्वर देवगन का मर्डर कर दूंगा मैं, लेकिन कैसे करूं? हाँ, वो जब हॉस्पिटल में आएगा ना तो ऊपर से पत्थर फेंक के मार दूंगा मैं, मर जाएगा साला। ये नहीं जाएगा, अगर किसी ने देख लिया मुझे तो क्या करूं मैं? हाँ, वैसे करता हूं, पत्थर नीचे रखकर ऊपर से डॉक्टर ईश्वर देवगन को फेंक दूंगा पत्थर पे, मर। नहीं नहीं, बहुत भारी है वो, बहुत भारी है, ये नहीं जमेगा। क्या करूं मैं, ए बताओ मैं क्या? उंगली 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 उंगली, गेट आउट। नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। एक मामूली अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो तुम? क्या है ना सर, क्या है, जाकर देखिए, आपका साला इस वक्त जूस पी रहा है। जूस पी रहा है? मेरे साले के बदन के ऊपर तुमने बटन लगाया? बटन? जैसे आपने फोन पे कहा वैसे मैंने किया। अभी मुझे क्या मालूम कि मेरे फोन के साथ किसी टेलर के फोन का क्रॉस कनेक्शन हुआ था। अरे थोड़ा सा दिमाग क्यों नहीं चलाया तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, उस वक्त मैं ऑपरेशन कर रहा था और एक साथ दो दो काम मैं नहीं कर सकता सर। अच्छा, तो किसी जानवर के डॉक्टर का अगर क्रॉस कनेक्शन लग जाता तो मेरे साले को तुम पूछ लगाते? पूछ? अगर मुझे लगता कि फोन पे आप बोल रहे हैं तो उसे पूछ क्या, दो दो सिंग भी लगा देता। What? हाँ, तो आप ही ने तो तीन तीन बार जो फोन पे कहा था ना कि मेरे सुपरविजन के बिना कोई भी ऑपरेशन तुम नहीं करोगे, कहा था ना? उंगली 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 उंगली, गेट आउट, चिल्लाए मत, सिट्टी उड़ जाएगी। क्या बात करते सारा, ठीक है। ये सर्जन से तो मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, इस सर्जन का मैं विसर्जन करना चाहता हूं इससे। क्या डॉक्टर साहब? हाँ। ये डॉक्टर ईश्वर देवगन की मस्त कॉमिक कैरेक्टर है ना? मालूम है मुझे। सर अभी क्या हुआ ना, थोड़ी देर पहले एक पेशेंट की पल्स देखने गए और पेशेंट की जगह लिली सिस्टर की कलाई पकड़ कर खड़े हो गए। लिली, शी इज वेरी सिली। दोनों में बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। मालूम है मुझे। जब देखो दिन भर घुटार घुट करते रहते हैं सर। मालूम है मुझे। कभी कभी तो सर डॉक्टर देवगन साहब लिली सिस्टर को अपने घर में भी ले जाते हैं लंच के लिए। ये मालूम नहीं था मुझे। लंच के लिए? आर यू श्योर? 100%। यू आर अ वेरी गुड वर्ड बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ। मिल गया, डॉक्टर ईश्वर देवगन से छुटकारा पाने का रास्ता मुझे मिल गया। हेलो डेली टाइम्स, हेलो, मैं एक हॉस्पिटल से एक पेशेंट बात कर रहा हूं। एक डॉक्टर के बारे में मुझे शिकायत करनी है, लिखकर भेज दूं? ओके, भेज दूंगा। आहा डॉक्टर ईश्वर देवगन, देख लूंगा मैं तुम्हें अभी। हेलो हेलो आराधना मैडम स्पीकिंग, मैं आपका मतलब मैं आपकी एक चिंतक। आप सीटी क्यों बजा रही है? नहीं, मैं सीटी नहीं बजा रही हूँ, मैंने कुकर लगाया है। अच्छा अच्छा, हाँ कहिए। आपके पति है ना वो डॉक्टर ईश्वर देवगन? हाँ मैं जानती हूँ उनका नाम। कहिए। हाँ, तो उनका नर्स लीली के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। कैसा चक्कर? वो दोनों आपस में चोरी चुपके मिलते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। अरे नमक मिर्च लगाना। नहीं, मैं नमक मिर्च लगा कर नहीं कह रही हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि आप जब घर पर नहीं होती है ना दोपहर को, तो डॉक्टर ईश्वर देवगन नर्स लीली को घर ले आते हैं लंच के लिए। आप समझ गए? समझ गई, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? हेलो, अरे डॉक्टर ईश्वर देवगन, मैं मजबूर हूँ। श्रीदेवी जी, कल तुम काम पर मत आना। या भाया, मैंने नमक मिर्ची मिलाया ना,
कल तुम छुट्टी लेना। मेरा कुछ भी गलती होएगा तो माफ करना, लेकिन छुट्टी काय को? अरे बाबा, छुट्टी कर नहीं रही हो तेरी, छुट्टी दे रही हूँ। छुट्टी दे रही? कल दोपहर मुझे घर पर कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए? समझ गई, समझ गई। क्या समझ गई? कोई आने वाला है क्या? अब घबराना नहीं, मैं साहब जी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे तुम लोग मेरा इस्तेमाल खंबे की तरह क्यों कर रहे हो? अरे क्या हुआ हेमंत? ऋतु, ये क्या बचपना है? मम्मी, मैं आईने में बाल सवार रही थी तो ये हेमंत ने मुझे धक्का दिया। ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धक्का दिया था। इन्हें रोको वरना मैं आज हॉस्पिटल में डॉक्टर के बजाय पेशेंट बन के जाऊंगा। रोको हेमंत, ऋतु जाओ, तुम लोग अपने क्लासेस चले जाओ, मुझे तुम्हारे डैडी से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मम्मी, मेरा टिफिन रेडी है ना? नहीं, आज हमारे श्रीदेवी छुट्टी पर है। ये श्रीदेवी कौन है? हमारी नई कुक। बेटा आज तुम कैंटीन में लंच कर लेना। हाँ ओके मम्मी। डैडी, कैंटीन में लंच करने को पैसे दो। देखा, तुझे बोलने की जरूरत थी? कितने चाहिए पैसे? सिर्फ 500 रुपए। 5-स्टार होटल का कैंटीन है क्या? डैडी, कैंटीन में लंच कोई अकेले नहीं करता है, मेरी फ्रेंड्स भी तो हैं। फ्रेंड्स? बॉयफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। कितने पैसे चाहिए दिए? सिर्फ 500। ये 200 रुपया ले, चल। डैड, अब मुझे भी। तू भी यही खड़ा है, तुझे भी अपने गर्लफ्रेंड को खिलाना है। मेरी कहाँ कोई गर्लफ्रेंड है, इस मामले में तो आप मुझसे ज्यादा लकी है। मैं मतलब नहीं समझा। नहीं समझे? आपके हॉस्पिटल में जो लीली नाम की, कितने पैसे चाहिए तुझे? कितने चाहिए? ये 50 नहीं, ये 100 रुपए रख ले। 100 रुपए? लेकिन वो जो लीली है ना हॉस्पिटल में, ये और एक 100 रुपए रख ले। भाग जा अभी, भाग जा। ठहरो ईश्वर, भाग जा। 200। हेमंत, अपनी बात पूरी करो। तुम लिली के बारे में कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, जो लिली है ना डैड के हॉस्पिटल में, ये 100 रुपया और रख ले। आज तो मेरी बाइक में पेट्रोल फुल करवा दूंगा। हेमंत, तुम लिली के बारे में कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं मम्मी, डैड के हॉस्पिटल में जो नर्स है ना लिली, वो कल मेरे बस में थी। थैंक यू लिली, थैंक यू डैडी। पागल है, बार बार लिली 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 कहता रहता है। मैं भी चला। ठहरो ईश्वर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? लिली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जो एक डॉक्टर का और नर्स का होता है वो। अच्छा, सच कह रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझे किसी अनजान औरत ने या किसी अनजान मर्द ने औरत की आवाज में या किसी जाने पहचाने मर्द ने अनजान औरत की आवाज में फोन पर बताया। तो क्या बोली मेरे समझ में नहीं? फिर तुम्हारा और लिली का बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। नाटक मत करो ईश्वर। नाटक? तुम डॉक्टर हो, एक्टर नहीं। एक्टर नहीं, 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 वाकई मुझे पता नहीं था कुछ। कान खोल कर सुन लो ईश्वर। बोलो। फोर्सेप्स लगा के कान खोल कर सुन लो। बोलो। अगर मैंने तुम्हें लिली के साथ रेड हैंडेड पकड़ लिया तो तुम दोनों का बिना मौत के पोस्टमार्टम हो जाएगा। हेलो लिली, लिली कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ईश्वर से बात करनी है? ईश्वर? क्यों, कोई खास वजह? मैं बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, लिली जरा ईश्वर का ख्याल रखना। हाँ, लंच वंच ठीक से करता है कि नहीं देखना। हाँ अच्छा, मिलते हैं फुर्सत में। आज नहीं, आज दोपहर मैं जरा बाहर जा रही हूँ, वरना मैं ही तुम्हें बुला लेती। लेकिन आज घर पर ना मैं हूँ ना बच्चे, समझ गई ना? बाय। क्या बोल रही थी? इमरजेंसी है। इमरजेंसी? किसके लिए? अरे कोई है घर पे?
आजा। देखना कोई कहाँ गई? चल बैठ बैठ। ला 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 ला। आज कितने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ? अच्छा, पिछले महीने 1 तारीख को आई थी। अच्छा, जब तुम्हारी खड़ूस बीबी लोगों का खून चूसने गई थी। आराधना खून चूसती है? मतलब ब्लड डोनेशन कैंपेन। तू ऐसी कह रही है जैसे ये कैंपेन नहीं शैंपेन है। तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? बीबी से डरते हो क्या? कौन मैं? What nonsense? अरे बीबी तो मेरे मुट्ठी में है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? वो किचन में बिल्ली आ गई होगी। म्याऊ। देखो म्याऊ बोल रही है, देखो है ना? डार्लिंग, मेरे पास आओ ना। तो, क्यों नहीं? बीबी, देखो आ गई। बिल्ली है ना? बिल्ली है। ईश्वर, इस बिल्ली को पहले भगा देते हैं। कब से गलत समय पर बर्तन गिरा रही है। क्या हुआ? ईश्वर, ईश्वर ये देखो, तुम्हारे किचन में बिल्ली नहीं औरत थी। औरत? ए, कौन है तू? कौन है तू? श्रीदेवी। श्रीदेवी? कौन श्रीदेवी? काना। काना? ये काना किसको बोलती है? अरे काना 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 काना। हाँ, तू कुक है? कुक कुक। हाँ कुक। हाँ हाँ कुक 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 कुक। ये क्या बात है? क्या कुकु कुकु लगा है? ये कुकु की रेलगाड़ी चल रही है क्या? तू कब से इधर है? तुझे हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं आती? इल्ले 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 इल्ले। अच्छा है ना इसको हिंदी नहीं आती। पहले कंफर्म कर लो। क्या? नहीं तो आराधना से जाकर चुगली करेगी। अच्छा श्रीदेवी। यस। तो इसके सामने हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी नहीं जानती लेकिन अंग्रेजी जानती है। ईश्वर, बड़ी अजीब नौकरानी है तुम्हारी। क्या तुम वाकई वाकई क्या है? क्या तुम हिंदी नहीं जानती? इल्ले इल्ले। Do you really don't understand हिंदी? ईश्वर, तुम डायलॉग डब क्यों कर रहे हो? साउथ की है ना इसलिए। श्रीदेवी। यस। ये लिली के बारे में तुम आराधना मैडम को कुछ कहोगी तो नहीं ना? बोलो इन्होंने क्या कहा? बोलो। This girl very bad. ये तो ऐसे ट्रांसलेट कर रही है जैसे हॉलीवुड की फिल्म हिंदी में डब हो रही है। Come on, don't waste time, darling. तू कमाल की औरत है। तुझे मालूम है कि ये अंग्रेजी जानती है फिर भी इसके सामने तू अंग्रेजी में बात कर रही है। सॉरी सॉरी। व्हाट सॉरी? श्रीदेवी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर जा, जा। बेंडी गवारी आलू का पराठा दाल राइस पापड़ा। बोलो। अरे ये तुझे कह रही कि अंदर जाओ। गो इनसाइड। अरे ये उंगली ए कोई आया है। ए जा जा दरवाजा खोल। ओपन द डोर। गो उधर उधर। कौन? लिली। ईश्वर है घर में? ईश्वर। अरे ईश्वर कहाँ हो तुम? मैं आया हूँ मैं। अरे ईश्वर। सर सर आप और यहाँ आइए आइए। अरे किसी शायर ने कहा है आप आए घर कुदरत देखते हैं। आप कैसे आए? हम यूं ही इधर से गुजर रहा था, सोचा देख लूं किसके साथ लंच कर रहे हो। अच्छा तो आप देखना चाहते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसके साथ लंच कर रहे हो तुम। सुना क्या? जरा बाहर तो आ जाओ। ये कौन है? ये मेरी हेलमेट। व्हाट? ये मेरी वाइफ है आराधना। आराधना है? तो इसने हेलमेट क्यों पहना है? क्या है हमारे सीलिंग फैन का रेगुलेटर खराब हो गया है। तो वो सीलिंग फैन है ना। हाँ। रेगुलेटर स्लो होता ही नहीं। अच्छा, अच्छा। और तेज हवा। हाँ। आराधना को बर्दाश्त होती ही नहीं।
हंसने का क्या है इसमें? नमस्कार करो, नमस्कार करो। नमस्ते नमस्ते। मैं, अरे बाप, ये कौन है? ये कुक है, श्रीदेवी। श्रीदेवी है? देखो तो, अरे बाप रे, मारती है। कोई बात नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सर? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लीली शायद तुम्हारे साथ लंच कर रही है। क्या बात कर रहे हैं सर, आप मेरे बारे में ऐसे सोच कैसे सकते हैं सर? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, मैं लीली के बारे में सोच रहा था। मम्मी, मम्मी, ये, मम्मी, 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 ये सब क्या हो रहा है? किसी फैशन से मैं हिस्सा लिया था? ये लुक सो फनी मम्मी। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, आज कैंटीन भी बंद था। तुम्हारे नौकरानी के बेटे भी तुम्हारे यहाँ काम करती है क्या? What? मम्मी, what's going on? डैडी, ये क्या बोल रहे हैं? बेटे, ये तेरी मम्मी है। ये हेलमेट मेरी मम्मी नहीं है। मेरा हेलमेट कहाँ रखा? आ ये रहा। लिली। अरे आपने मुझे बुलाया सर? डॉक्टर ईश्वर देवगढ़। ईश्वर देवगढ़। आइए आइए, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। वहाँ? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके कुर्सी पे बैठ नहीं सकता सर। आज तो तुमको बैठना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन उस कुर्सी पे मैं, हाँ? कोई बात नहीं सर। आप भी कभी कभी ऐसी बात करते हैं। बोलिए बोलिए सर। डॉक्टर ईश्वर देवगढ़, मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है कि इस हॉस्पिटल से लात मार के तुम निकाले जा रहे हो। थैंक यू थैंक यू। व्हाट? यस, इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने यह तय कर लिया है कि तुम्हें डिसमिस किया जाए। अरे लेकिन क्यों? क्यों ये बताने की जरूरत है डॉक्टर ईश्वर देवगन? हाँ मम, घर में मुझे वाइफ को बताना पड़ेगा ना कि आज के बाद हॉस्पिटल्स के दवाइयों के सैंपल फ्री में नहीं मिलेंगे। डॉक्टर ईश्वर देवगन, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, यू आर dismissed. But why? Sir, but why? Why? तुम पर ये आरोप है कि तुम पेशेंट के बारे में लापरवाह हो। सर, अरे पेशेंट की ओर मैं जितना ध्यान देता हूँ उतना कोई नहीं देता। हाँ, वो सबूत तो मेरे गले में है कि तुम कितने अलर्ट हो। सर, वो सीटी नहीं है, वो आपको साइनस ट्रबल। वो साइनस नहीं है, वो सायरन है, सायरन। ठीक है सर, मानता हूं कि गलती मेरी है, क्या बाकी के डॉक्टर गलती नहीं करते? करते हैं। परसों एक सर्जन का पेंसिल टॉर्च एक पेशेंट के पेट में रह गया था। तब से वो पेशेंट जब भी मुंह खोलता है उसके मुंह से लाइट आती है। अंधेर रात में वो रास्ते से मुंह खोल के चलता है, हाँ, रास्ते पे लाइट देती है। उसे आपने डिसमिस किया? देखो लेकिन, और एक सर्जन ने एक पेशेंट की टांगों का इस तरह ऑपरेशन किया कि वो उल्टे पाव घर चला गया। उसे आपने डिसमिस किया? लिसन, अरे व्हाट लिसन? एक सर्जन ने एक औरत का ऑपरेशन किया, वो औरत मर्द बन के चली गई। उसे आपने डिसमिस किया? वो सेक्स चेंज का केस था, इडियट। सॉरी डॉक्टर देवगन, जाते जाते मैं तुम पर बरसना नहीं चाहता। लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स, हंसते हंसते विदा लो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कहां है मेरा डिसमिसल ऑर्डर? अरे ऐसे हॉस्पिटल को मैं ठोकर मारता हूँ, अरे दूसरे किसी भी हॉस्पिटल में मुझे नौकरी मिलेगी। डॉक्टर ईश्वर देवगन, जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? लगता है आज का अखबार तुमने पढ़ा नहीं। क्या है? तुम्हारे सारे करतूतों की डिटेल्स यहाँ आई है। नर्स लिली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, और तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक दे रही है, तलाक। देखो तो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाहर जाओ और इत्मीनान से पेपर पढ़ो। एंड नाउ गेट आउट। यमदूत, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ।
मुझे तुम्हारी छुट्टियों की जरूरत है। ये क्या मजाक लगा के रखा है ईश्वर, तुम्हें डॉक्टर बने हुए एक महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारा रोना शुरू हो गया। अरे देखना, मेरी इज्जत, आबरू, नौकरी, बीवी सब चला गया। ये तो एक ना एक दिन होने ही वाला था। डॉक्टर बनने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि तुम्हारी डॉक्टर बनने की हैसियत है या नहीं। अरे दुनिया में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिसकी हैसियत ढूंढने के लिए कमिटी बिठाई जा सकती है, वो डॉक्टर क्यों है फिर? वो उनकी तकदीर है। उनकी तकदीर में डॉक्टर बनना लिखा है और पेशेंट की तकदीर में डॉक्टर के हाथों तकलीफ सहन करना लिखा है। लेक्चर मत देना, उस काम के लिए किस्मत ने कुछ लोगों को प्रोफेसर बना दिया है। प्रोफेसर बनना है तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं चाहिए जिसमें यंग जनरेशन मुझे बराबरी का ना समझे। अच्छा ये बताओ तुम्हें कौन सा प्रोफेशन चाहिए? क्या बोले ए यमदूत, तुम्हारा चुटकी बजाने का समय आ गया। अच्छा, मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ। अरे क्या सोचा है ईश्वर, चलो इसी बहाने मुझे भी फिल्म स्टार्स देखने मिल जाएंगे। जब से स्वर्ग से तड़ी पार हुआ हूँ अच्छी शक्ल ही नहीं देखी मैंने। तैयार हो तुम? हाँ मैं तैयार। हाँ।